हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बन जाने वाले पनीर की ऐसी रेसिपी जिसे खा के आपका मन खुश हो जाएगा और जो भी इस तरह से बनाएगा ना बहुत पसंद आने वाला है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आ जाए, तो प्लीज़ इसको लाइक कॉमेंट दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, बहुत आसानी से बन जाने वाले पनीर की रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ एक बड़े शिमला मिर्च को लिया है और प्याज को इस तरह से काट लिया है, प्याज और शिमला मिर्च। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का चम्मच हमने कुकिंग ऑयल लिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तब हमने यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज को डाल के हल्का सा फ्राई कर लेना है इसको। ऐसा नहीं कि इसको पूरी तरह से हमें पकाना है, बस आपको 2 मिनट के लिए मीडियम और हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करके अलग निकाल लेना है। पनीर के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, इसको भी हल्का सा हमें 2 मिनट के लिए फ्राई करके अलग निकाल लेना है। सच में बहुत ही पसंद आएगी आपको ये सब्ज़ी जब बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। बचे हुए ऑयल में सेम पैन में हमने आधे छोटे चम्मच जीरा डाला, 4-5 काले मिर्च के दाने डाले हैं और यहाँ पे हमने एक बड़ा प्याज लिया था। इसी के साथ में थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने ऐड कर लिया था, तो पीस के यहाँ पे इसमें डाल देना है। जैसे ही यहाँ पे प्याज डालेंगे, इसके साथ ही हमने टमाटर की प्यूरी डालनी है। हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस लिया है। टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अगर आप इसमें टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे टमाटर स्किप कर सकते हैं, टमाटर की जगह आप आगे दही का यूज़ करेंगे। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा, काफ़ी बढ़िया से जब आप मसाला भून लेंगे ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद और तेल जब अलग दिखने लगेगा तब आप यहाँ पे दही का यूज़ कर सकते हैं। एक टेबल स्पून अगर खट्टा है या फिर अगर नॉर्मल दही है मीठा तब आप आधा कप भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेगा। आधा छोटा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच हमने गर्म मसाला और थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डाला है। अगर गरम मसाला आपका घर का बना हुआ है तो कम डालिएगा, अगर बाहर मार्केट से लिया है तो थोड़ा आधा छोटा चम्मच डालें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता वो। मसाले डालने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमारा ये जो मसाला है अच्छे से भून चुका है, तेल अब छोड़ने वाला है ये, तो इसी के साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दिया था। और बस यहाँ पर हमने ये जो फ्राई किया हुआ पनीर, शिमला मिर्च, प्याज है वो डाल देना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें टमाटर ऐड नहीं करना चाहते तो मसाला भूनते टाइम यहाँ पर आप दही का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ी डालने से पहले आप दही डालिए इसमें, इसको अच्छे से मिलाइए, लो फ्लेम पर दही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पनीर, शिमला मिर्च, प्याज डालना है और बाद में थोड़ा सा इसको पकाना है इस तरह से। और बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पकाइए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च डालें। बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार है। उम्मीद है रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक।